हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइस डिज़ायर। फ्रेंड ये देखिए रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी का दिया है मैंने इनको। ये एक पार्सल का वीडियो है, आप देख लीजिए। इसमें इसने बार रेड और ब्लैक मांगा है और मुल्तानी मिट्टी का क्ले पॉट और कुछ रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी और ये सेल स्टोन थोड़ा ब्रोकन दिया है मैंने। पंजाब की मिट्टी भी है इसमें। तो फ्रेंड आप जानते हैं मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और फ्रेंड मुझे इशू एक बात का थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कोई बोल रहे हैं सॉफ्ट आप लोग की नज़र में क्या है। फ्रेंड आप प्लीज़ मुझे बोलें, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊंगी, एक कोलकाता क्ले पॉट में एक हाफ बेक्ड हल्का स्मोकी होता है। जो हाफ बेक्ड हल्का स्मोकी होता है ये सॉफ्ट क्ले होता है। इसके नीचे अगर आप जाओगे तो सॉफ्टनेस में वो हो जाएगा कच्ची मिट्टी वाला फुल स्मोकी होता है एक, तो वो पानी में डालने से मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिसको नरम आप बोलोगे वो है कच्चे मिट्टी वाला। तो वो रॉ भी ले सकते हो और कच्चे मिट्टी को स्मोकी करा के भी ले सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर में आता है फ्रेंड हाफ बेक्ड हल्का स्मोकी, जो मुझे बहुत पसंद है और जो बहुत डिमांडिंग है। ठीक है, ये पानी में बहुत कम घुलता है, बहुत देरी रखोगे तो हल्का घुलेगा जनरली। और देखिए ये हाफ बेक्ड हल्का स्मोकी एक बहुत कम घुलता है पानी में, लेकिन घुल जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो ये है सॉफ्ट बेक्ड। और एक इसके ऊपर में होता है हाफ बेक्ड नॉन स्मोकी, जो क्रंची होता है, थोड़ा सा हार्ड लगता है लेकिन क्रंची होता है। हार्ड मतलब जो नहीं टूटता दांतों से। अगर आपके दांतों में इशू है फ्रेंड तो वो आप जाने, और प्लीज़ ठीक से कोलकाता क्ले पॉट का टेस्ट मुझे बताइए, क्योंकि मैं वैसे ही प्रोडक्ट आपको भेजूंगी। ठीक है, और एक बता दूँ, कोलकाता क्ले पॉट का मिट्टी अगर रॉ भी होता है तो वो गमी नहीं होता है। अगर वो पानी में छूटता है ना तो वो मेल्ट होता है, लेकिन वो गमी नहीं होता। गमी चीज़ अलग चीज़ है, वो मुल्तानी मिट्टी जो कच्चा खाते हैं हम लोग वो गमी होता है। ठीक है फ्रेंड, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना टेस्ट जान के मुझे बताएं। थैंक यू फ्रेंड।